क्या मोदी गवर्नमेंट हमारे देश के डिफेंस सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर रही है? क्योंकि पिछले 20 इयर्स की हिस्ट्री में इस साल डिफेंस सेक्टर को वन ऑफ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ बजट एलोकेट हुआ है। तो आखिर क्या है डिफेंस सेक्टर और मोदी गवर्नमेंट की पूरी कहानी, आइए जानते हैं धोखा ब्रदर्स के साथ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2000 से, जब पाकिस्तान से कारगिल वॉर के बाद अटल गवर्नमेंट ने टोटल बजट का 16.73% डिफेंस सेक्टर को अलोकेट किया था। फिर आती है यूपीए की गवर्नमेंट, जिन्होंने 2004 से लेकर 2013 के बीच में मिनिमम 12.8% से लेकर 16.14% मैक्सिमम तक टोटल बजट का डिफेंस के ऊपर स्पेंड किया था। फिर आती है मोदी गवर्नमेंट, जिन्होंने 2014 से 2023 के बीच में टोटल बजट का मिनिमम 10.96% से लेकर मैक्सिमम 15.5% तक डिफेंस सेक्टर के ऊपर स्पेंड किया है। इवन जिस टाइम पर पुलवामा का अटैक हुआ था, तब मोदी गवर्नमेंट ने सबसे कम डिफेंस सेक्टर के ऊपर बजट का स्पेंड किया था, वो था ओनली 10.9%। और अगर हम एनडीए की गवर्नमेंट और यूपीए की गवर्नमेंट में कंपैरिजन करें, तो एनडीए की गवर्नमेंट ने 10% तक कम स्पेंड किया है आर्मी के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। फिर अग्निवीर जैसी स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करा गया, जिससे गोरखा सैनिक जो कि नेपाल से आते थे और हमारी मिलिट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और काफी ताकतवर थे, वो भी अब चाइना की तरफ मूव ऑन कर गए हैं और उनकी सेना को ही मजबूत कर रहे हैं। और हो सकता है फ्यूचर में ये चीजें हमारे इंडिया के लिए भी कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दे। इवन जो इस साल का 2024 का बजट आया है, वो पिछले 3 सालों से भी लो है। टोटल बजट का 12.9% के आसपास है, लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीस। और डिफेंस सेक्टर को मिलने वाला बजट मेनली 4 तरीकों से स्पेंड किया जाता है। सबसे पहला है रिवेन्यू, जिसमें टोटल डिफेंस बजट का 45% ऑफ द स्पेंड करा जाएगा, लगभग 2.82 लाख करोड़ रुपीस, और इसमें मेनली डिफेंस स्टाफ की सैलरी आती है। दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस साल इसमें 27.6% यानी कि 1.72 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड होंगे, जिसकी मदद से वेपन, गन पाउडर, एम्यूनिएशन, गोला बारूद, फाइटर प्लेन्स वगैरह खरीदे जाएंगे। तीसरा है पेंशन, जिसके अंदर इस साल टोटल बजट का 22% तक स्पेंड किया जाएगा, लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपीस। और चौथा है सिविल बजट, जो कि सबसे छोटा सा है, लगभग 25.5 करोड़ रुपीस, जिसमें रोड्स का कंस्ट्रक्शन, सेना के लिए कैंटीन, हाउसिंग के एक्सपेंडिचर, कोस्ट गार्ड्स वगैरह इंक्लूड है। और इस बार एक खुशी की बात जरूर है, आर्मी के जो तीनों ही फॉर्म्स हैं, उनके अंदर सैलरीज का इंक्रीमेंट भी किया गया है। पहला है एयरफोर्स, जिसमें लगभग 50%, दूसरा है आर्मी, जिसमें लगभग 29%, तीसरा है नेवी, जिसमें लगभग 40% के आसपास सैलरीज का इंक्रीमेंट किया गया है। लेकिन अभी हमारी गवर्नमेंट बजट का मैक्सिमम पोर्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड कर रही है, जो कि अच्छा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर का बजट कम करना हमारी कंट्री को फ्यूचर में प्रॉब्लम्स में डाल सकता है। और एंड में हमारी कंट्री के लिए डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड एक पॉजिटिव न्यूज भी है। हमारी कंट्री से डिफेंस इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट्स लाइक एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, जो कि 2016 में सिर्फ 1521 करोड़ था, वो अब बढ़कर 2024 में हो गया है 21,000 करोड़ से भी ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें।